हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज जो ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है वो कैपकट एप्लीकेशन में होने वाली है। आपने प्रीव्यू तो देखा ही होगा। इस तरीके का इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर इस कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस के साइन पर चले जाना और यहाँ पर से आपको कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर से कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐड यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मेट मिल जाएगी, ठीक है। इस पर चले जाना और यहाँ पे से आपको 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपके जितने भी सारे फ़ोटोज़ होंगे उसमें यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना और इस तरीके से आपको रोटेट कर देना और इसे इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी फ़ोटोज़ को उसी तरीके से आपको इस तरीके से रोटेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से जूम कर लेना है, आपको सभी फ़ोटो को इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऐड ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साउंड मिल जाएगी, इसमें चले जाना है। इसमें जाने के बाद योर साउंड पे चले जानी है और यहाँ पर ये वाली जो सॉन्ग होगी वो यहाँ पर देखिए आपको फ्रॉम डिवाइस वाली ऑप्शन मिल जाएगी, इसमें चले जाना। और ये वाली सॉन्ग जो होगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर से उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये वाली सॉन्ग को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये वाली सॉन्ग को आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऐड के साइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी सॉन्ग होगी वो ऐड हो चुकी होगी। उसके बाद इस सॉन्ग पे क्लिक कर देना है। सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैच कट वाली एक इफेक्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको बीट मार्क कट वाली एक ऑप्शन हो जाए मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन मिल जाएगी बीट मार्क वाली। फिर यहाँ पर देखिए जब भी ऐसे थोड़ी सी यहाँ पे आपको प्लेन लाइन दिखेगी उसके बाद यहाँ पर आपको बीट मिल जाएगी, तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर देना, इस तरीके का येलो मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो बाकी सारे यहाँ पर देखिए जब भी बीट होती है तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सभी जो मार्किंग है आपके सॉन्ग में इसे यहाँ पर से मार्क कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं सब बीट मार्क्स मार्क कर देती हूँ, इसी तरीके से आपको भी मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देनी है। टिक करने के बाद यहाँ पर ये जो सॉन्ग होगी उसको यहाँ पे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए जब ये बीट मार्क स्टार्ट होती है इस पर आ जाना है, इस फोटो पे क्लिक कर देना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट वाली ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पर देखिए जो रिमेनिंग पार्ट्स होगी उसे यहाँ पर से डिलीट कर देना है। इसी हिसाब से आपको जो बाकी सारे बीट मार्क्स के हिसाब से आपको सभी जो फोटोज़ है आपकी उसे यहाँ पर एडजस्ट लेना है। फोटो पे क्लिक कर देना है, बीट मार्क तक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो पे क्लिक कर इसे स्प्लिट कर देना है और रिमेनिंग जो पार्ट्स है उसे यहाँ पे क्लिक कर डिलीट कर देना है, ठीक है। हम इसी तरीके से जो बाकी सारे फोटोज है हमारे उसे हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इस फोटो पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एनिमेशंस मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे कॉम्बो वाली इफेक्ट्स मिल जाएगी, इस पर चले जाना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए पेंडुलम 2 वाली, ठीक है। ये वाली इफेक्ट्स को लगा देना है, इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फोटो पे क्लिक कर देना और यहाँ पर ये वाली इफेक्ट्स पे भी, तो यहाँ पर ये जो है वो स्लाइड नहीं होगी, तो यहाँ पर ये वाली इफेक्ट्स को भी लगा देनी सेकेंड फोटो में। इसी तरीके से जो बाकी सारे फोटोज है उसमें यहाँ पर पेंडुलम 2 वाली इफेक्ट्स को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से हम लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए अभी आपको इस वीडियो को स्ट्रेट करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे से ये वाली जो आपकी वीडियो है उसको यहाँ पे से देखिए आपको फ्रेम रेट पूछ रहा है, आप यहाँ पे 60 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो थी वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियोस पे चले जाना है और यहाँ पे से अभी जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी वो वाली वीडियो आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो है वो ऐड हो रही है, हम कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरी वीडियो थी वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट पे चले जाना है, आपको जिस भी रेशियो में वीडियो बनानी होगी फिर यहाँ पे 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर ये वाली जो आपकी वीडियो होगी उस पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपको रोटेट कर लेना और इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, एडजस्ट कर देना है अपने रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।